शाह जी का है, वो देश में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। किसी जाति को टारगेट कर करके सीसीए और एनआरसी ला रहे हैं, इसे आपसी तनाव और जो सौहार्द बना हुआ उसको बिगाड़ने के काम कर रहे हैं। और किसी एक जात के इस देश की आजादी में हिंदू से कम मुस्लिम लोग का अथी नहीं है, इसमें जितना हिंदू इस आजादी की लड़ाई लड़ा है उसमें मुस्लिम लोग भी अपने बढ़ चढ़ के आजादी की लड़ाई में अपना भागीदारी निभाई है। और आज सरकार किसी जात को टारगेट कर करके वो एनआरसी और सीसीए ला करके उसको संविधान को ध्वस्त करना चाहती है और उसको उसको अधिकार से वंचित करना चाहती है। ये भाई इस हम लोग के समझने की बात है कि आज तो इन लोग का टारगेट किया गया है, गलती पिछड़ा होगा, दलित होगा, इस सारे लोगों को कल वोट के अधिकार से, चुनाव लड़ने के अधिकार से, सरकारी योजनाएं हैं उसे लेने के अधिकार से इस सब वंचित करेगा। धीरे धीरे सबको इस अधिकार से वंचित करने के काम कर रहा है। और पूरे जो अभी भारत सरकार जो है से मनुवादी भी व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है। मैं इस कानून को एकदम पूरे तहे दिल से विरोध करता हूं और जरूरत पड़ा तो रोड जाम, धरना, प्रदर्शन, जहां भी हम लोग एकदम तन मन धन से खड़ा है। और इस सरकार के हर इस कार्य कानून को हम लोग जम के विरोध करेंगे। एनआरसी का विरोध में हम लोग भी हैं और ये जो सरकार संविधान को रखे हैं ये अच्छा नहीं है, देश के लिए नुकसान ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सरकार को सब सोचना चाहिए, क्योंकि जब वोट के समय आती है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता है। और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार को इतनी बड़ी कदम इस तरह से नहीं उठाना चाहिए, सरकार के लिए नुकसान है। पुलिसिया जुल्म भी हो रहा है, जो लोग इस पर बैठ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? उसमें भी हम लोग कहना चाह रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ, महिला के साथ या और किसी के साथ, अन्य के साथ ये सब जो हो रहा है जो बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए जी। इसलिए सरकार को ध्यान देकर उसमें रोक करना चाहिए और सरकार को थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसे ना हो। हम लोग एनआरसी के विरोध में है यहाँ पे और अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग भरपूर सहयोग देंगे। जब तक ये काला कानून नहीं हटेगा तब तक हम लोग इस धरना में भरपूर सहयोग करेंगे। और हम नहीं चाहते हैं ऐसा कि हमारा देश हम फिर से गुलामी की ओर जाए और अपने ही लोग हम लोगों को गुलामी के तकदीर तक पहुंचा दे। ऐसा ही हो रहा है एनआरसी के जरिए ऐसा ही हो रहा है कि हमारे अपने लोग हम लोगों को गुलामी के तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं इस सरकार के विरोध में हूँ, जो सरकार काला कानून बना दिया है, जो सरकार हम लोगों के बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी महिलाएं इसका विरोध करते हैं। हम लोग इतना नहीं जानते हैं, जब हम लोग 90% लोग हमारे गांव में वास करते हैं जो अनपढ़ हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते, उनको एनआरसी क्या समझ में आती है। बात है कि हमको तो लग रहा है कि हमारी देश फिर से गुलामी की ओर जा रहा है इनका साथ दे करके, और हम लोग इनके विरोध में हैं। दरअसल हम लोग पिछले 7 दिनों से लगातार इस शांति बाग में सीए, एनपी और एनआरसी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इस कानून का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सरासर आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि आप किसी को नागरिकता किसी के धर्म के आधार पर नहीं दे सकते। और हम लोग ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें संविधान का धज्जी उड़ाया गया है, और प्लस ये कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जो मंशा है एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके लिए स्टार्टअप ले चुके हैं। तो हम लोग इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को आपस में मिल कर रहते हैं, सभी कोई इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिए हैं। तो हम लोग सभी लोग मिलकर इस काला कानून का विरोध कर रहे हैं और हम सभी लोग यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, और जब तक खून है तब तक जुनून है। हम लोग इस धरने पर डटे रहेंगे और इस काला कानून का हम लोग अपोज करते रहेंगे। यहाँ पर हमारे सारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सभी लोग इस धरने पर आ रहे हैं क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये लड़ाई किसी कम्युनिटी की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं धरने पर। और हम लोग जितना भी मेहनत करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, संविधान को हम लोग बचाएंगे। हम लोग चाहे जो भी हो जाए, हम लोग जितना दिन बैठना पड़े, हम लोग संविधान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और संविधान नहीं, यहाँ पर जैसे अंग्रेज ने आया था ना, उस तरह का इन लोग करना चाहते हैं। सबसे पहले
इन लोग ने खाट पर नहीं बैठने देता था, पूजा पाठ करके ही हम लोग का ही विलम्ब करना चाहता था, आज वही करने जा रहा है। आज NRC के विरोध में हम लोग हैं, CA के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मनमानी सरकार की लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, काला कानून, ये सब हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए यहाँ पे हम लोग के आंदोलन या धरना अनिश्चितकालीन, 7 दिन से अनिश्चितकालीन यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और इसके विरोध में ये भारत की जो सरकार की जो व्यवस्था है, ये मनमानी उसका नहीं चलेगा। एक कौम को लेकर के राजनीति, वोट बैलेंस के लेकर के एक राजनीति किया जा रहा है। ये मैं चैलेंज करता हूँ मोदी सरकार को, मैं इस माध्यम चैनल के माध्यम से मैं आगाह करता हूँ कि ये मोदी अमित शाह ये आप लोग के व्यवस्था है नहीं चले देंगे। इसके लिए हम लोग के पूरे जो लोकतंत्र के जो व्यवस्था है आपका काला कानून, इसके लिए हम लोग गोली भी खाना पड़ेगा, तैयार हैं, लेकिन ये व्यवस्था आपका नहीं होने देंगे। हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, कल लगभग पप्पू यादव जी आए हुए थे, 1000-2000 की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, और उन्होंने हम लोग एक बैठ करके इंसानियत के नाम पे ये काम कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये एक इंसानियत की लड़ाई है, जो हर को मुसलमान और फिर हरी नीचे तक के लोग को ये जो जुल्म किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये अनिश्चितकालीन धरना है।